Hello everyone, welcome to Bilaspur IAS Academy. Today we have come up with some good news for the CGPSC English Medium Aspirant. So, हम एक नया लेक्चर लेकर आ रहे हैं सीरीज आपके लिए, where we will teach you entire Chhattisgarh in English because there is no material available in the market. So, एक बहुत बड़ा इशू रहा है पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में कि आपके पास इंग्लिश मीडियम का कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़. सी वंस वी लुक अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वी विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड हाउ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद रिगार्ड टू द स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिविजन एंड तहसील ऑल आर ऑर्गेनाइज्ड. तो सबसे पहले यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दिस वी विल डिस्कस वेरियस पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड द मैप ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. क्योंकि सारा मैप की डिविजन बाद में तहसील देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट देखेंगे और हर एक प्लेसेस के इंपॉर्टेंस को रीड करेंगे, तो वहां पर क्या जरूरत पड़ेगा हमें समथिंग कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. सी अगर आप कंप्लीट छत्तीसगढ़ को देखें या कंप्लीट इंडिया को ही देखें, अगर सपोज करिए दिस इज इंडिया, सो इंडिया पे एक टॉप लेवल पे बैठा हुआ एक आदमी और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कुछ कुछ भी आप ले लो, अब वो तो सारे जगह पे ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते ना. सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ मैन पावर और मैन पावर का डिवीजन हम क्या करते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को हम इजी कर पाए फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. सो हमने क्या किया कंप्लीट इंडिया को वेरियस स्टेट्स है इंडिया में. सो देयर इज अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. अगेन टू टाइप्स ऑफ हेड, एक होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और एक हमारे गवर्नमेंट के हेड होंगे. अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करूं सो कॉन्स्टिट्यूशनल है प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट हेड इज प्राइम मिनिस्टर. फॉर द स्टेट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इज गवर्नर एंड अगेन आवर गवर्नमेंट हेड इज चीफ मिनिस्टर. सिमिलरली इस लेटर को बिल्कुल नीचे लेकर जाते हैं अप टू द तहसील लेवल और इवन द सब तहसील लेवल और वो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़. देखते हैं वो होगा क्या है, कैसा है. सी पीएससी ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन आस्क किया है प्रीलिम्स में भी और मेंस पे भी, दोनों पे. प्रीलिम्स में क्वेश्चन वाज छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कितने टियर का है. सो इट्स अ फोर टियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड इन द मेंस वो सिंपल क्वेश्चन है दे राइट अ नोट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़. सी वी हैव ऑन फर्स्ट ऑफ नवंबर 2000 प्लीज रिमेंबर दिस डे एज इसी दिन क्या हुआ था. ऑन दिस डे 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश गॉट बाइफर्केटेड और उससे एक नया स्टेट बनाया गया था दैट स्टेट इज कॉल्ड छत्तीसगढ़. ठीक है, सो कब बना छत्तीसगढ़, 1st of November 2000. सी देयर इज वन स्टेट कॉल्ड छत्तीसगढ़. नाउ फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इस स्टेट का फर्दर सब डिविजन हुआ. सो वन स्टेट देर आर फाइव डिविजन्स. We'll see each and every division one by one, but अभी फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं. Now these divisions are divided into 27 districts. But recently अभी दो दिन पहले क्या हुआ, this 27 become plus one और it's 28 district. So question आता है ये one कौन सा है और ये बिल्कुल करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज पेंड्रा गौरेला एंड मारवाही. सी अभी आप बुक पढ़ेंगे बहुत सारी तो अभी अपडेट हुए नहीं होंगे और यू विल गेट 27 बट अब वो 28 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं. दो दिन पहले ही ये न्यूज आया है तो ये करंट अफेयर भी आप देख लेना. नाउ अगेन दिस डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इंटू 149 ऑब्लिक 146. दिस आर 149 तहसील्स एंड 146 ब्लॉक्स एंड दिस आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 74 सब तहसील्स
So if I rub this and count from top to bottom, 1, 2, 3 and 4. See, those 74 kya the hamare subtehsil se. Agar main se bitata hu, if I rub this and count from top to bottom, 1, 2, 3 and 4. So this is our fourth year administrative structure. So Chhattisgarh is a fourth year administrative structure. This was a straight question. Now see about divisions. Chhattisgarh has 5 divisions. यहाँ पे mention है. तो 5 divisions are from top to bottom देखते हैं हम लोग. सबसे ऊपर आएगा सरगुजा division. सरगुजा. Next one is बिलासपुर division. Now here is a दुर्ग division. रायपुर division. And last one is बस्तर डिवीजन. अबाउट दिस 28 डिस्ट्रिक्ट आगे के लेक्चर्स में हम डील करेंगे. और नाउ देयर आर 5 डिवीजंस एंड आपको ये सारा दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. नाउ लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडिया पे कौन था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे टॉप ऑफ द लेडर कौन थे प्रेसिडेंट थे स्टेट के कौन थे गवर्नर थे. सिमिलरली अगर वही एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को कंटिन्यू करें यहां पर तो इनके भी सारे के डिफरेंट हेड्स हैं. ठीक है. सो डिविजनल लेवल पे इन छत्तीसगढ़ वी हैव कमिश्नर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑब्वियस कलेक्टर. हियर एट तहसील एंड ब्लॉक लेवल वी हैव डिप्यूटी कलेक्टर. अभी आप लोग एग्जाम देंगे पास होके यही बनने वाले हैं. ऑल्सो कभी कभी वहां पर बोलता है पोस्ट में तहसीलदार भी वहां पर आते हैं नायब तहसीलदार. सो कभी कभी यहां पर उनको भी पोस्टेड कर दिया जाता है. और यहां पे होते हैं सब तहसीलदार और सब कलेक्टर्स. ठीक है. तो ये सारे उसके हेड्स हैं एंड दीज आर वेरियस डिविजन्स ऑफ जिसमें हमारे 5 डिविजन्स थे डिस्ट्रिक्ट थे तहसील एंड सब तहसील. सो दिस इज द अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़. और बाकी का जो भी है अबाउट डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल आगे के लेक्चर्स में हम इसे डील करते हैं. थैंक यू.